हाँ चलिए। कोई डाउट्स है क्या? सारे कर लिए आपने? कि किए ही नहीं? प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चन किए शुरुआत वाले? हाँ देखिए, बताना है क्या कोई क्वेश्चन उसमें से? शीट का क्वेश्चन नंबर 14, 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर वाई बराबर 12 की पावर जेड करके दिखाइए इसको जल्दी से। ये लिखा ना यहां पे प्रैक्टिस शीट का 14 नंबर। करिए इसको सॉल्व। जो जो क्रिटिकल लग रहे हैं वो मैं करवा देता हूं अपनी ओर से, है ना? दो तीन सवाल फिर चलते हैं आगे। चौदह नंबर का क्वेश्चन। क्या आया? नहीं आया अभी तक? क्या रहा है? डी फॉर दिल्ली, बॉम्बे। आया आंसर? कल नहीं आए थे आप इस क्लास में? क्यों गेप मारते हो आप? एक दो दिन दिखते हो फिर गायब, एक दो दिन दिखते हो फिर गायब। फिर कल नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे कल? काम था। अच्छा, इसके पिछली वाली क्लास में थे ना? क्या काम था? रूम का चाबी देना थी रूम पार्टनर को, तो उसको यहां बुला लेते। कहां है रूम? कहां पे? भोला राम पे। क्या नहीं आया इसका आंसर? इसमें x का वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू ऑफ x।
चलो देखो इसको। ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो 12 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 12 को, z दोनों के साथ आ जाएगा तो 2z और 3 की पावर z आ जाएगा इस प्रकार से। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की पावर 2z इंटू 3 की पावर z। अब सुनिए इसको लीजिए, सबको तीन 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 बनाना, ये दोनों तो ऑलरेडी तीन है, इसको तीन बना दे और बस हो जाएगा सॉल्व। तो इस वाले पोर्शन को लीजिए, यहां से 2 का वैल्यू 3 की पावर y अपॉन x आएगा, तो रख दे 2 की जगह 3 की पावर y अपॉन x। टू बराबर 3 की पावर y अपॉन x, क्लियर। चलिए 3 की पावर y, 3 की पावर, 3 की पावर 2yz अपॉन x। थ्री की पावर z, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पे बेस से में पावर जोड़ दें प्लस z, बेस से में तो पावर इक्वेट कर देते हैं, y बराबर 2yz। x का वैल्यू निकालना है तो z को इधर ले आओ, x को यहां ले लो, y माइनस जेड को यहां ले लो, तो आ जाएगा x का वैल्यू 2yz अपॉन y माइनस जेड। नहीं के नहीं लगेगा इसमें, फेल हो जाएगा, वो तो उसमें क्या था 2, 3 और यहां 2, 3 = 6 था, LHS LHS इक्वेट से RHS इक्वेट हो गया था ना, यहां नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। कौन से नंबर का सवाल है ये, 15, ये वाला करना इसके बाद। ये वाला कल आए थे, आए थे इस प्रकार का सवाल कल किया था ना हमने, एक कहां से क्या ये, अच्छा ये देखो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 * 3 = 12, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की होल पावर z। अब z इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, तो z इस पे आएगा तो 2 की पावर 2z और z इस पे आएगा तो 3 की पावर z। आया कि नहीं आया समझ में, है ना, क्लियर है। और इसके बाद फिर ये वाला रिलेशन लिया हमने, ये तीन तीन है तो इसको भी तीन बनाना था, तो 2 का मान 3 के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो इस वाले स्लॉट को लिया मैंने, यहां से 2 का वैल्यू क्या आएगा 3 की पावर y अपॉन x, ये x उधर चला जाएगा ना अपॉन में, उल्टा हो जाए, x बाई 1 है तो इधर जाके 1/x हो जाएगा, तो y बाय x हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 3 की पावर y बाई x, तो 2 का वैल्यू मैंने पुटअप कर दिया, 2 की जगह 3 की पावर y बाई x रख दिया, क्योंकि 2 किसके बराबर है 3 की पावर y बाय x, तो 2 का वैल्यू क्या रख दिया मैंने 3 की पावर y बाय x की पावर 2z, बाकी ये वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा। अब 2z इंटू हो जाएगा y बाई x में, y बाई x में 2z इंटू होगा तो 2yz बाई x हो जाएगा, इंटू होने के बाद
इनटू होंगे दोनों तो ऐसा हो जाएगा, फिर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी आपस में ये दोनों, तो ये दोनों जुड़ गई आपस में, बेस सेम है और ये 3 की पावर y। अब आधार समान है तो घाते आपस में क्या हो गई, बराबर। तो y बराबर 2yz/x+z, ये पावर पावर आपस में इक्वेट हो जाएंगे। जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, बराबर। जैसे x की पावर a बराबर x की पावर b, तो यहां से क्या आ जाएगा, a बराबर b। इन दोनों को बराबर करना है तो बेस सेम है तो पावर बराबर होगी, तभी दोनों एक जैसे हो पाएंगे। तो a और b एक समान, तो जब भी बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या ले लेते हैं हम, बराबर। x का इसमें वो सवाल नहीं आपके सामने, क्या क्या निकालना, y। हाँ, y का वैल्यू निकालना। हाँ, क्या मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, देखते हैं। ए आ रहा है, ठीक, इसको रफ कर दूं, क्या आ रहा है, 15 का आंसर ए। अच्छा, हाँ, मिटा दूं क्या इसको, पंद्रह नंबर का क्वेश्चन, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z और b स्क्वायर बराबर ac। चलिए, किसका वैल्यू निकालना है हमें, y का। हां, देखिए ये तो b है, a को भी b बना दो और c को भी क्या बना दो, b, तो सारे b b b बन जाएंगे, तो बेस सेम तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, सबको b b b बना दो। चलो, तो यहां से a का वैल्यू b के फॉर्म में क्या आएगा, y अपॉन x, है ना। तो चलो, b स्क्वायर, a का वैल्यू b के फॉर्म में क्या आया, a का मान, है ना, a को भी b के रूप में लेना है और c को भी b के रूप में, तो a का मान b के रूप में चाहिए तो a का वैल्यू b के रूप में निकालो और c को भी b के रूप में रखना है तो c का वैल्यू b के रूप में निकालो, तो c का वैल्यू b की पावर y अपॉन z, c का वैल्यू b की पावर y अपॉन z, c का वैल्यू b की पावर y अपॉन z, क्लियर है, ठीक हो गया सॉल्व। और क्या, बेस से में पावर जुड़ जाएंगी, अब बेस से में तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, किसका वैल्यू निकालना है, y का,
वाई कॉमन निकाल लें यहां से। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करें इसको तो 2 बराबर वाई एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये y का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, मतलब abc xyz बराबर कर लो तो और abc भी बराबर कर लो। ABC बराबर नहीं है, A की पावर X, B की पावर Y और C की पावर Z बराबर है। देखो, रख सकते हो XYZ को 111 मान लो, XYZ का वैल्यू क्या मान लो 111। यदि XYZ को 111 मान लिया उसके बाद A बराबर B बराबर C, क्लियर, ठीक है। और सारे ऑप्शन आप चेक कर लो, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड को बराबर मान लो, फिर ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, है ना। तो ए बराबर बी बराबर सी मानोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, फिर ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। और कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 में मिसप्रिंटिंग है। 16 में संघर्ष किया क्या आपने अभी तक? मिसप्रिंट है वो, जेड की पावर एक्स नहीं, वो 2 की पावर एक्स है। आप समझ गए होंगे शायद, मेरे को ऐसा लगा, z की पावर x नहीं हो, 2 की पावर x है। हाँ, हो गया क्या ये? सोलह नंबर में 2 की पावर x, 4 की पावर y और 8 की पावर z, और एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या दिया है 288। एक्स वाई जेड का वैल्यू 288, किसका वैल्यू निकालना है 1 अपॉन 2x, 4y और 6z। टू की पावर एक्स, टू की पावर टू वाई, टू की पावर थ्री जेड, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दे। एक्स बराबर टू वाई बराबर थ्री जेड, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना। चलो इसका वैल्यू निकालना है तो एक्स बराबर टू वाई बराबर थ्री जेड इधर रख देते हैं, है ना। इधर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या रख दे 3z, x का वैल्यू रख देते हैं 3z, है ना। मतलब सबको z बना लेते हैं, ये z तो z है, x का वैल्यू 3z रख दिया, y का वैल्यू 3z बाई 2, तो y का वैल्यू 3z बाई 2, और ये किसके बराबर है 288।
है ना, अब तीन से काटेंगे या फिर नौ से काट दो सीधे, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन टू जा एटीन, जेड का क्यूब बराबर 32 दुनी 64 आएगा, चार का क्यूब जेड बराबर कितना आ जाएगा 4, जेड बराबर 4 रख दे 4, तो 6 4 जा 24, जेड बराबर 4 तो x का वैल्यू 12, जेड बराबर यदि 4 रखते हो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, है ना, जेड बराबर 4 तो 4 3 जा 12 आ जाएगा ये, तो x का वैल्यू क्या आया 12, तो 12 दुनी 24, अब y का वैल्यू 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 तो 4y बराबर 24 आ जाएगा ना, ये तो समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैंने थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। बारह कहां से आया, जेड बराबर 4 तो जेड का मान यहां 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 तो 3 जेड का मान 12 आ गया, और ये सब बराबर है तो ये बराबर भी 12, 2y बराबर भी 12, 3z बराबर भी 12। देखो ऐसा किया मैंने, x बराबर जेड का मान 4 यहां रख दे, रख देते तो z का मान 4 रखोगे, 4 तिया 12 आ जाएगा इसकी जगह, क्लियर है इतनी बात। तो यहां से x का मान क्या आ गया 12, x बराबर क्या आ गया 12, और एक बार 2y बराबर 12 रख दें तो y का मान क्या आएगा 6, तो x 12 y 6 और z 4, ये x y z का मान यहां रख दो, x रखोगे 12 तो 12 दुनी 24, y क्या रखोगे 6 तो 6 चौक 6 4 जा 24, और z क्या रखोगे 4 तो 4 छंग 24, तो 3 बार 1 बाई 24 तो 1 बाई 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 किया क्या, सातवा, सेवंथ, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे, क्या है, 3 2 5 4 9, 729 के आसपास, 729 छोटा के बड़ा आसपास, नहीं नहीं पता करना पड़ेगा, क्या ले लिया 4 ले लिया, फैक्टोरियल ये 7 को 2 कर लिया 8 मान के, और 26 को 27 मान के 3 कर लिया, बराबर 9 आ गया, 9 का क्यूब 729, ए बराबर 729। अब आपने वैल्यूज को बड़ा कर करके लिया है, 26 को 27 बड़ा करके लिया है, 7 को 8 सबको बड़ा कर करके लिया है, मतलब ओरिजिनली 729 से छोटा आना चाहिए रिजल्ट, आपने 729 कैसे बनाया, उनको बड़ा कर करके 729 बनाया ना, यानी कि ओरिजिनल रिजल्ट 729 से नीचे जाएगा, तो ए लेस देन 729। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, कौन सा स्टेप, ये वाला, x का मान क्या है 12, तो 12 दुनी 24 और
वाई का वैल्यू 6, 6 × 4 = 24 और जेड का वैल्यू 4, तो 4 × 6 = 24। अरे हो गया क्या कॉपी? सेवंथ वाले पर आइए, सेवंथ वाले पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया है सवाल, ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है ए का वैल्यू 216 से 729, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऐसा लिख लो ए लेस देन 729, लेस देन 729, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ए लेस देन 216, चौथा ऑप्शन ए बराबर 719, इसका आंसर ये वाला आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना अभी, अब सुनिए। एक एक को अटैक करेंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर है ना। अब एक चीज आप ध्यान देना, क्यूब रूट ऑफ 26 लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, आई समझ में? लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, यदि 27 का क्यूब रूट होता 26 के जस्ट आगे, परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 27, तो 3 आया होता, और 26 के जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब क्या है? 8, 2 आया होता। तो इसकी वैल्यू, मतलब एक रेंज के अंदर आंसर लाना हो तो रेंज की अपर लिमिट क्या बनेगी? 3, और लोअर लिमिट क्या बनेगी? ऐसे ही बनेगी, है ना। अब इसको पकड़ो जरा, इसकी अपर लिमिट 2 बनेगी और लोअर लिमिट क्या बनेगी? 1 बनेगी क्या? इसके जस्ट बाद क्या आता है? 8, 7 के बाद 8, परफेक्ट क्यूब क्या बनेगा? 2, और 7 के पहले 1, 1 का परफेक्ट क्यूब क्या बनेगा? 1। उसको पकड़ते 63 को, तो 63 के जस्ट आगे 64, 64 का घनमूल क्या होता है? 4, और 63 के जस्ट पहले 27 परफेक्ट क्यूब, उसका क्या होता है? 3। तो एक बार हम इसकी जगह, इन तीनों की जगह ये वाले डेटा रखेंगे तो इससे ए का मैक्सिमम वाला रेंज आएगा, और एक बार इन तीनों की जगह ये वाला डेटा रखेंगे तो इससे ए का मिनिमम वाला वैल्यू आएगा। क्लियर? तो चलिए एक बार हम मैक्सिमम वाला रेंज निकालते हैं, तो कौन सा वैल्यू रखते हैं? ये वाले, इसका ये 3, इसका 2 और इसका 4, क्यूब रूट ऑफ ए 9 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 9 का क्यूब यानी कि 729। इससे क्या पता चला? कि ए का वैल्यू एक्चुअल में 729 के नीचे जाएगा। अरे यार, ए 729 की बराबरी कब किया? जब सबको बड़ा बड़ा लेके चले, ओरिजिनल रिजल्ट को जब बड़ा बड़ा लेके चला तब ए बराबर किया 729 की, यानी कि ओरिजिनल में 729 से नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब इन तीनों को छोटा छोटा लेके चलते हैं।
अब मैं रखूंगा इन तीनों का वैल्यू 2, 1 और 3। चलो रख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ ए, इसकी जगह रखूंगा मैं पीछे वाला वैल्यू 2, इसकी जगह रखूंगा मैं 1 और इसकी जगह रखूंगा मैं 3। कितना आ रहा है? 6। तो ए का वैल्यू 6 का क्यूब यानी कि 216। अब आप सोचिए ए ग्रेटर देन 216 है क्या? ये तो आपने ओरिजिनल वैल्यू से छोटा छोटा लिया तब जाके 216 आया, यानी कि ए का ओरिजिनल वैल्यू 216 से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो ए ग्रेटर देन 216 बट लेस देन 729, दोनों को मिलाएंगे तो ये रिलेशन बनेगा कि भैया ए लेस देन 729 और ग्रेटर देन 216। तो ये एग्जैक्ट आंसर इसका बनना चाहिए, ए की रेंज 216 से 729 के बीच में। हाँ, ऑप्शन से कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते बता दो मेरे को। हाँ बताओ ना, जैसे हाँ कर सकते ना ऑप्शन से, लेकिन सिर्फ ऑप्शन से नहीं होगा उसको हल किए बिना, उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, 3, 2, 4 इमेजिन तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो कर नहीं पाओगे ना। किसमें? छठे में। क्या आएगा आंसर? माइनस 2 आ रहा है, देख लेते। क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? 2 की पावर 2 की पावर x और राइट हैंड साइड पे 2 की पावर 16 की पावर 2 की पावर 3x। मतलब ये क्वेश्चन आपने किए नहीं घर में, मैंने सोचा कर लिए होंगे आप लोगों ने। छठा, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये समझ में आया सभी को? अच्छा, ये जो 3 और 2 लगाए थे समझ में आया आपको? आए समझ में? 2, 1 लगाया आया समझ में? ठीक है, इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि भैया 7 लेस देन 8, 7 लेस देन 8 होता है, दोनों पे क्यूब रूट लगा लो आप, दोनों पे क्यूब रूट लगा ले, अब ये तो ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 2। तो हो गया ना प्रूव कि क्यूब रूट ऑफ 7 लेस देन जस्ट लेस देन 2 एंड जस्ट ग्रेटर देन 1। सिक्स्थ का आंसर आ गया ना? सिक्स्थ का ये कॉपी हो गया, रफ कर दूं क्या इसको, मिटा दूं इसको, है ना? टू की पावर एक्स, 16 की पावर क्या है? 2 की पावर 3x। चलो ऐसा लिख सकते हैं इसको, इस 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो आप? अच्छा, क्या होता है ये? m इंटू n होगा ऐसा, क्लियर है ना? ठीक है,
अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। तो हो जाएगा क्या ऐसा m into n? क्लियर, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दें। जब x की पावर a और x की पावर b हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a बराबर b। तो 2 की पावर x बराबर 4 इंटू 2 की पावर 3x, इसको भी 2 बना दें, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3x। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम। फिर से ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना, 3x में से x माइनस करोगे 2x आएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, 2x बराबर माइनस 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 1। चौथा किया, चौथा, चौथे में मिस्टेक है, आठवां नौवां कर लोगे, बाकी कर लोगे क्या? एट्थ नाइन्थ देख ले इसका एक बार करके, डाउट हो तो बता दीजिए, चलते फिर आगे, नहीं तो नाइन्थ में, नाइन्थ में जो सेकंड वाला रिलेशन है बी की पावर जेड वाई, बी की पावर जेड वाई नहीं है, बी की पावर टू वाई है वो, इसको कॉपी कर लें आप पहले। एट्थ का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, वन। मिटा दूं क्या इसको, रफ कर दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 8, ए की पावर m माइनस एन की पावर l इंटू ए की पावर n माइनस एल की पावर m इंटू ए की पावर l माइनस m की पावर n, वन आएगा इसका। x की पावर m की पावर n, m इंटू एन होता है ना, ये रिलेशन लगेगा, m माइनस एन इंटू एल इंटू ए की पावर n माइनस एल इंटू m, ए की पावर l माइनस m इंटू n, l का इंटू इसमें भी इसमें भी, m का इंटू इसमें भी इसमें भी, n का इंटू इसमें भी इसमें भी, तो a की पावर एम एल माइनस एन एल, ए की पावर
बेस से में पावर एड हो जाएंगी। ये प्लस एमएन से माइनस एमएन कैंसल, माइनस एनएल से प्लस एलएन कैंसल, माइनस एलएम से प्लस एमएल कैंसल, ए की पावर जीरो आया। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? वन। क्या बोल रहे हो? ए की जगह कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते थे, ए की पावर एम एल अपॉन ए की पावर एन एल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एल एम एन ए की जगह कुछ भी रखोगे आंसर वन ही आएगा, कुछ भी रख सकते हो आप उसमें, है ना। वैसे इजी क्वेश्चन है, वैसे ही दिख रहा हो तो सारा कैंसिल होके वन आएगा सीधे, करने की भी जरूरत नहीं है। नो नंबर कर लो, नो नंबर, ए की पावर थ्री एक्स बराबर बी, और वो दूसरा वाला रिलेशन बी की पावर टू वाई है, जेड वाई नहीं है, वन बाय थर्टी, करेक्ट। हाँ एक बाई तीस, ये हो गया कॉपी। नाइन, ए की पावर थ्री एक्स बराबर बी, और बी की पावर टू वाई क्या दिया है? सी, और ए क्या निकालना है? ठीक है, बी की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, ये सी का वैल्यू यहां रख दो, की पावर 5z बराबर ए, तो ए की पावर बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दें, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा? वन बाय थर्टी। सवाल नंबर दस करवा देता हूं,
मिटा दो क्या इसको? वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी माइनस प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी एक्स की पावर बी माइनस सी। ऑप्शन से जीरो वन ए बी सी और एक्स जीरो वन ए बी सी और एक्स क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। हाँ, एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। एक्स की जगह रख लो वन तो आंसर वन आ जाएगा। एक्स की जगह क्या रख लो? वन। वन रखोगे, वन की पावर कुछ भी हो वन ही आएगा ना, तो वन बाई थ्री आ जाएगा ना ये। तो वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री क्या आ जाएगा, है ना। कुछ भी कहीं भी कुछ भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक तरीके से बता देता हूं क्या एक्स बराबर वन रखने पे भी तो आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? एक्स बराबर वन एबीसी को तो रख ही नहीं रहा ना मैं, हटाया नहीं, वो है एक्स बराबर वन। रुको ना सर 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 सर, बीच में इनको बता रहा हूँ ना सर 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 सर। हाँ यार सुन लिया मैंने एक ही बार में, इनका तो कैसेट सॉल्व करूँ ना पहले, फिर आपके पास आऊँ। एक्स की पावर बी माइनस ए, एक्स की जगह क्या रखा? वन। वन की पावर कुछ भी हो वन ही आ जाएगा ना, वो आ गई समझ में? ठीक है। हाँ अब बोलो सर सर सर, बताओ अब बोलो ना क्या बोल रहा है। वो तो बेसिक तरीका ना हो जाएगा, वो बेसिक तरीका उसी से होगा, बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ बेसिक तरीका है ना। ठीक है वो बता रहा हूँ, पहले वैल्यू पुटअप वाला। तो x बराबर क्या रख दो? वन। ए बी सी को देखो ही नहीं आप, x बराबर वन रख दो तो सीधे क्या आ जाएगा? वन, है ना। क्या क्या x भी ऑप्शन में और? हाँ यस, प्रॉब्लम आ सकती है, सही है। एक्स बराबर वन तो एक्स बराबर वन रखोगे तो दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, सही है, करेक्ट है। तो अब आप ये करो, ए बी सी को वन 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 रख लो। हाँ ए बी सी वन वन वन, तो वन 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 रखोगे तो आ जाएगा ना वन। अच्छा दो वन आ जाए मतलब समझ में तो आ गया ना आपको क्या कहानी है, बस बहुत अच्छे। ठीक है, मतलब वैल्यू पुट कर रहे हो तो समझ में आ रही है ना, दो ऑप्शन एक जैसे एक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी वन 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 रखोगे तो दो ऑप्शन फिर वन वन आ जाएंगे, सही है। तो क्या रख दे ऐसा फिर? ए बी सी को टू 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 रख दो, ठीक है, हो जाएगा। चलो बेसिक तरीके से करें, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। होता है ना ऐसा, एक्स की पावर एम अपॉन एन एक्स की पावर एम माइनस एन, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बटे में पावर माइनस होती है
तो माइनस को बटे में भी तो लिख सकते हैं इसे। दिख ही रहा है आपको तो, हो गया सॉल्व। मतलब x की पावर है इधर आ जाएगा, और नीचे x की पावर एक कॉमन आ जाएगा, वो x की पावर ऊपर चला जाएगा। ये आए समझ में चला गया ना। और ये कहां से है x की पावर है पता है? बाहर थोड़ी ना आया, नहीं है ना समझ गए कि नहीं समझ गए पता था मेरे को पहले लिख लेते हैं, आप भी कॉपी कर लो, फिर उसके बाद समझाऊंगा ना तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर b अपॉन, लिख दो ना सीधे एबीसी, x की पावर b यहां जाएगा प्लस x की पावर c, x की पावर c a, x की पावर b। चलो अच्छा, तो नीचे तो कॉमन हो गया एबीसी एबीसी, यहां क्या है x की पावर a, यहां क्या है x की पावर b, और यहां क्या है x की पावर c, तो 1/1 तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और कोई इसमें जो परेशान कर रहा है? हो गए ना ऑलमोस्ट सारे। एपी सीरीज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बना कर दिए हैं, बहुत बेसिक से दिए हैं बिल्कुल, और अभी उसमें 2-3 पेज और रेड होंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है अभी उसमें 2 पेजेस में, बाकी के 3 पेजेस और मिलेंगे आपको कल एपी सीरीज के। टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है? 8, 14, 15। चलो एपी सीरीज का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। कौन सा? 13 नंबर। अच्छा 12 हो गया, 12 जैसा तो किया था ना हमने कल। चलो 13 नंबर देख लो, तो और क्या 8:30 हो जाएंगे अब। चलो मिटा दो इसको। हाँ इधर समझाना था ना, समझाऊं? करो स्टार्ट, 1, 2, 3 करो स्टार्ट सुनो मेरी बात, समस्या सिर्फ इतनी सी है कि यहां से यहां कैसे आए, है ना? इसको मैं अलग ले लेता हूं उधर पे। सुनो, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो इन दोनों का एलसीएम एक्स की पावर ए आएगा, है ना? या फिर इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर इधर चला जाएगा, जैसे 1+1/2 को सॉल्व करते हो तो 2 1 2 होता कि नहीं होता, ऐसा होता कि नहीं होता? तो x की पावर a इंटू 1 x की पावर a आ जाएगा यहां पे,
आ जाएगा इससे सर, 2 1 2 तो 2 + 1 और बाई में 2 आता है कि नहीं आता है पूरे के, वैसे x की पावर है यहां चला जाएगा, तो x की पावर है प्लस ये दोनों वैसे के वैसे और ये x की पावर है पूरे अपॉन में आ जाएगा, नहीं आया ना, नहीं आया ना, ये आता ना आपको करना, ये 2 1 2 तो यानी कि 2 + 1 इसको ऐसा लिख सकते तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, यहां से लिंक बनाओ आप आया कि नहीं आया बताओ, आ गया, फिर ये x की पावर एक कूद कर हाई जंप मारेगा हाई जंप होगा ना यहाँ पे, है ना, बीच में ये आएगा, इसके ऊपर से कूदना पड़ेगा ना आ गया ये, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया आराम से घर में एक बार जाके देखना, कॉपी कर लिया इसको, आएगा, इजी सी बात है। हाँ वो कौन सा सवाल बता रहे थे आप, अरे मैं भूल ही गए सवाल पूछे थे, बताओ इनके चक्कर में, कौन सा क्वेश्चन है, 13 सवाल नंबर 13 343 की पावर 0.13 इंटू 343 की पावर 0.07 और क्या है, डिवाइड बाय 0.25 इंटू 0.075 इंटू 343 की पावर 0.2 है ना, आपको अलग ही दिख रहा है सब, 7 7 7 का बन जाएगा, है ना, सब नाटक कर रहे हैं, सब अंदर से 7 है कि नहीं है, ये 7 की पावर 3 या फिर इन दोनों को सीधे ऐड कर दो बेस से में तो पावर प्लस हो जाएंगे, ये भी कर सकते हो आप, है ना, तो कितना हो जाएगा ये, पहले 7 में बदल लेते हैं सबको, एक साथ कर लेंगे सारा, है ना, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा ये, एक एक स्टेप लिखता हूं नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, अपॉन 7 की पावर इंटू 2 0.075 इंटू 7 की पावर 0.2 है ना, अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, थ्री इंटू 0.13 ऐसा आ जाएगा, इंटू हो जाएंगे, 3 × 7 की पावर क्या हो जाएगी, ये अपॉन इंटू 7 की पावर 0.15 इंटू 7 की पावर 0.6 बेस से में पावर ऐड कर लें
ये इधर से अब मैं इधर ले रहा हूँ सीधे, है ना। ये मैं होता तो इसको यहीं ओरली यहीं खत्म कर देता, तो वो एफर्ट हमें लगाना है। समझ आ रही बात? ये इतने नाटक टीचर होना तो करना पड़ेगा। मैं 0.39 प्लस 0.21, छोटी छोटी चीजों को समझो, है ना। आपको प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है। बेस से में पावर एड कर दें, प्लस 0.6, क्लियर। चलो तो ऐड कर ले, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 की पावर 0.6 आ जाएगा ये, और नीचे 7 की पावर 25, 7 की पावर 1 आ जाएगा ना। अरे 25 पैसा, 15 पैसा और 60 पैसा हो गया ना, 1 रुपया। 6 के बाद 0 लगा सकते हो। 25 पैसा, 15 पैसा, 60 पैसा हो गया ना, 7 की पावर 1, 1 रुपया, ठीक है। तो किधर है ऑप्शन, कैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग घुमाते हैं। 1/7, ओके। तो 1/7 की पावर 2/5 आएगा ही, देखिए। अच्छा, ऑप्शन आपके सारे 1/7 में है, यानी कि 7 को नीचे ले आना है। तो 7 को नीचे लाएंगे ऐसा हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है ना डिवाइड में, 0.4 आएगा। 0.4 2/5 होता है 2/5, पॉइंट हटेगा नीचे, 10 लगेगा 2/5। अब 1 के ऊपर फ्री में 2/5 लगा सकते हैं, तो 1/7 की होल पावर क्या हो गई, 2/5। टाइम बताओ, टाइम कितना हो रहा है, 25, ठीक। और कोई सवाल है क्या इसमें? नहीं, ठीक है, फिर कल स्टार्ट करेंगे अब एपी सीरीज और क्या।